नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर जिले भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रैली निकाल बच्चों ने पेड़ लगाने का दिया संदेश। पुलिस जिला नवगछा में हाल के दिनों में हुए कई लूटकांड मामलों का पुलिस ने किया खुलासा। हथियार गोली के साथ साथ आरोपी गिरफ्तार। शराबबंदी के बावजूद नहीं थम रहा है अवैध शराब का कारोबार। बाईपास पुलिस ने एक ट्रक शराब किया बरामद। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आकर वृद्ध की मौके पर हुई मौत। सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। और बांका एसपी ने किया अमरपुर थाने का निरीक्षण। लंबित कांडों के निष्पादन को लेकर थानाध्यक्ष को दिए आवश्यक निर्देश। अब खबरें विस्तार से। वृक्षारोपण से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन तिलकामांझी लाल पार्क स्थित जजेस कॉलोनी में किया गया। इस दौरान न्यायिक पदाधिकारियों के साथ जजेस कॉलोनी के बच्चों ने भी वृक्षारोपण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान एडीजे रोहित शंकर ने कहा कि हम सभी को स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखना आवश्यक है और स्वच्छ पर्यावरण के लिए अधिक संख्या में वृक्षारोपण करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण से हमें शुद्ध हवा मिल सकती है जिससे कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। एडीजे रोहित शंकर ने कहा कि इसके अलावा गंगा के पानी को भी स्वच्छ रखने के लिए सामूहिक पहल करने की जरूरत है जिससे हमें पीने के पानी भी स्वच्छ जल मिल सके। इसके अलावा उन्होंने अपने आसपास के लोगों के साथ आम लोगों से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाने की अपील की। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। डिस्ट्रिक्ट माननीय डिस्ट्रिक्ट साहब के बिहाफ पे यहाँ पे आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसमें यहाँ पे वृक्षारोपण किया जा रहा है और कॉलोनी के जितने भी बच्चे हैं वह सब भी इसमें सम्मिलित हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि जितने भी ग्रीन हाउसेस इफेक्ट हैं और जितना भी पर्यावरण को लोग इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, सॉयल पॉल्यूशन हो, इन सब को ठीक करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों में जागरूकता आए और जितने भी सिटीज़न हैं हमारे देश के उनको ये मालूम हो कि बिना एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के हम लोग एक अच्छा समाज नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एज जुडिशियल ऑफिसर हम लोगों को ये मालूम है, लेकिन आम जनता तक भी ये सारी बातें जाएँ और बच्चों तक भी ये सारी बातें जाएँ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नेशनल सर्विस स्कीम की ओर से भागलपुर विश्वविद्यालय के 3 कॉलेजों द्वारा जागरूकता से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर जयप्रकाश उद्यान में किया गया। विभिन्न तरीकों से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया जिसमें 2022 की थीम ओनली वन अर्थ पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में TNB कॉलेज, SM कॉलेज और मारवाड़ी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जबकि इस दौरान पोस्टर एग्जीबिशन भी लगाया गया जिसमें पर्यावरण संरक्षण संबंधित विभिन्न तस्वीरों के साथ स्लोगन भी लिखा गया था। जागरूकता से सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों ने एक से एक बढ़कर प्रस्तुति दी जिसकी मौजूद लोगों ने खूब सराहना की। वहीं गंगा प्रहरी गौरव सिन्हा ने लोगों से अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि TMU के DSW डॉक्टर राम प्रवेश सिंह थे, जबकि मन संचालन NSS के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने किया। मौके पर स्वयं सेवकों की संगठन टीम के अलावा कई शिक्षक और छात्र छात्रा भी मौजूद रहे। चेंबर ऑफ कॉमर्स भागलपुर के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर विशाल मेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर श्री गौशाला प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कोतवाली थानाध्यक्ष रामप्रीत पासवान एवं तिलकामांझी विश्वविद्यालय के इंजीनियर संजय यादव मौजूद थे। वहीं वृक्षारोपण अभियान के संयोजक संगीता तिवारी एवं प्रीति पांडे समेत कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने गौ पूजन कर गौ माता को फल खिलाया। इसके बाद अभियान के तहत 31 फलदार औषधि एवं फूल के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष लालू शर्मा, महासचिव रवि प्रकाश बुधिया, कुंज बिहारी झुंझुनवाला, नंदकिशोर चमड़िया, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मंडल, शशि शंकर सहित कई लोग उपस्थित थे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संजीवनी गंगा की ओर से रन फॉर अर्थ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी और पीरपैती थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद ने संयुक्त रूप से पौधारोपण कर किया। इस दौरान अतिथियों ने अपने आसपास अधिक से अधिक मात्रा में पौधारोपण करने की अपील लोगों से की। वहीं संजीवनी गंगा के संस्थापक मोहम्मद अयास ने कहा कि धरती पर
पर पिछले कुछ सालों में प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, सुनामी जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ी है। प्रकृति की इन आपदाओं में जान माल का काफी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, सड़क पर कूड़ा कचरा ना फेंके और ना ही कूड़े में आग लगाए। वहीं रैली में शामिल स्कूली बच्चों ने पेड़ लगाने को लेकर आम लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम के उपरांत लक्ष्मी नारायण हाई स्कूल में प्रकृति रत्न सम्मान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों और समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। मौके पर डॉक्टर नीरज कुमार, मोहम्मद जफरुद्दीन, जानिशार असलम, अमित कटारुका, अरविंद शाह, मक्की अशरफ, गुलसफा परवीन, यासिर खान सहित काफी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। हम लोग चाहते हैं कि भारत में प्रकृति केंद्रित विकास हो, विकास हो, प्रकृति का नाश ना हो। इसलिए आज पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन संकट है, उसको समाधान के क्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जारी है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने प्रकृति में भी रन फॉर अर्थ कार्यक्रम का आगाज किया था। हम लोगों ने पौधे लगाए, जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया और इसके माध्यम से बताया कि हम लोगों को समय रहते जो है प्रकृति के और अंदर लौटना होगा। पुलिस जिला नवगछा में लगातार हो रही लूटकांड की घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और बड़ी कार्रवाई करते हुए लूटकांड की घटना को अंजाम देने के साथ साथ आरोपियों को पुलिस ने लूटे गए सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने 5 देसी कट्टा, 41 जिंदा कारतूस, 6 मोटरसाइकिल और लूट के रुपये बरामद किए हैं। शनिवार को नवगछा SP सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पकड़े गए लुटेरों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। SP ने कहा कि कुछ दिन पूर्व लूट की कई घटनाएं सामने आने के बाद SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि 2 जून की रात्रि में खरीक, गोपालपुर एवं नवगछा थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मोटरसाइकिल लूट की घटना को अंजाम देने की जानकारी मिलते ही SIT टीम को पूरे इलाके का नाकाबंदी कर सघन वाहन चेकिंग करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अपराध कर्मी बाबुल शर्मा और भवेश कुमार को खरीक थाना क्षेत्र से लूटी गई पल्सर मोटरसाइकिल एवं हथियार के साथ दबोच लिया गया, जबकि 2 अपराधी भागने में सफल रहा। वहीं पकड़े गए अपराधियों के निशानदेही पर गोपालपुर थाना क्षेत्र से लूटी गई पलेटिना मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। SP ने कहा कि पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ की गई है, जिसमें अपराधियों ने कई अहम जानकारी दी है। पुलिस वहां हमारे अफसर सिविल में थे, कुछ वर्दी में थे, देख के भागना शुरू किया। 4 लेन पे कदवा की ओर जो 4 लेन पे भागना शुरू किया। आप जैसे जो बिसरावत पुल है देख रहे हैं, वहां से आगे बाएं रास्ते जाता है कंचनपुर गांव जाता है, पूरा कच्ची रास्ता है। तो SDPO अपने जिला के बोलते हैं कि मैं देखो ये सिविल में थे ना, कि मैं SDPO हूँ, हमारी पुलिस की टीम है, तुम सरेंडर कर दो। कंचनपुर में गाड़ी छोड़ के फायरिंग करना वो शुरू कर देता है। उसके पास 2 ये आप देखा नहीं, ये जो पिस्टल है और ये जो कट्टा है, दोनों से वो फायरिंग करना शुरू किया। और जो हमने पूछताछ किया SIT की टीम से, SDPO से, SDPO पर वाकई खतरा, गंभीर खतरा उत्पन्न हो गई थी, लेकिन हमारी पुलिस टीम जो है काफ़ी प्रशिक्षित है और हिम्मत से अपना काम लिया। और दूसरी बात ये भी कि हमें अपराध खत्म करने का यह है, अपराधी को नहीं। तो फिर वो फायर हुआ, उसने फायर किया, फिर जैसे पुलिस भी फायर किया अपना सुरक्षा करने के लिए, अपनी जान का या जो उनके पास जो हथियार थे, तो फिर वो जख्मी वो हो जाता है गुरुदेव। हम लोग त्वरित जब होता है सत्या पर जो जांच करते हैं, तलाशी लेते हैं, तो ये आपका ये 2 हथियार और ये जिंदा कारतूस, ये दो ये है ना मैगजीन है, एक उसमें लोड था, एक उसके पॉकेट में था, और घटना स्थल से कुछ खोखा सब भी हमारे पास है। कितना राउंड सर गोली चला था? देखिए ये लगभग 5 राउंड जो काउंट, तो हमने काउंट किया हमारे पास 5 का ना, जो पुलिस ने फायरिंग किया, SDPO साहब और उनकी टीम में जो फायरिंग किया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से अवैध शराब कारोबार का सिलसिला जारी है। दरअसल भागलपुर के जगदीशपुर बाईपास TOP क्षेत्र अंतर्गत मुख्य सड़क मार्ग से ट्रक द्वारा ले जाई जा रही भारी मात्रा में विदेशी शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि शराब झारखंड से ले जाया जा रहा था, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 1 14 चक्का वाले ट्रक से पुलिस को शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। फिलहाल पुलिस पकड़े गए ट्रक चालक से पूछताछ कर रही है।
अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सनहुला घोगा मुख्य मार्ग स्थित फाजिलपुर सकरामा गांव के समीप एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान फाजिलपुर गांव निवासी स्वर्गीय जगदल्ली मंडल के 55 वर्षीय पुत्र धर्मदेव मंडल के रूप में हुई है। वहीं घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक सुबह शौच के लिए सड़क पार कर रहा था, तभी सनहुला की ओर से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने धर्मदेव मंडल को कुचल दिया, जिससे ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते सनहुला थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। वहीं इस घटना से मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। बांका एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने शनिवार को अमरपुर थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान बांका एसपी ने थाने में लंबित कांडों का बारीकी से अवलोकन करते हुए मौजूद पुलिस कर्मियों को अविलंब लंबित कांडों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। साथ ही दिन और रात्रि गश्ती को तेज करने के अलावा फरार वारंटियों की गिरफ्तारी, बालू माफियाओं की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान में तेजी लाने का निर्देश एसपी ने दिया। एसपी ने सर्किल इंस्पेक्टर सुबोध कुमार राव को प्रतिदिन सुबह 7 बजे से दिन के 2 बजे तक स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए थाना आए फरियादियों की फरियाद सुनने और उनका निवारण करने का भी निर्देश दिया। साथ ही पुलिस कर्मियों से थाना आए आम लोगों के साथ नरमी से पेश आने की हिदायत भी थी। इस दौरान एसपी ने बताया कि अमरपुर प्रखंड बालू के लिए बदनाम हो रहा है और बालू माफियाओं की धरपकड़ एवं अवैध बालू उठाव पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए अतिरिक्त 25 पुलिसकर्मी लगाने की बात कही। मौके पर बांका एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, अमरपुर थाना के थानाध्यक्ष सुनील कुमार और निरीक्षक राम विचार सिंह समेत काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। अमरपुर थाने का एक औचक निरीक्षण और इधर आने के क्रम में यहाँ पर आया गया, जिसमें यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक में बहुत से कांड यहाँ पर लंबित पाए गए हैं, बहुत सारे बालू के कांड हैं, शराब के कांड हैं, जो बहुत दिनों से यहाँ पर पेंडिंग है। साथ में एसडीपीओ साहब और सर्कल इंस्पेक्टर भी हैं। इन लोगों को एक अभियान चला करके आदेशित किया गया है कि यहाँ पे सब लोगों की जो वांछित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें, और खास करके बालू के कांडों, क्योंकि अमरपुर क्षेत्र में बालू का बहुत हमेशा से जो है एक अवैध उठाव का शिकायत मिलते रहा है, तो उस संबंध में जितने भी बालू के कांड हैं स्पेशली इसके इंस्पेक्टर साहब मॉनिटरिंग करके और सबको गिरफ्तारी कराना सुनिश्चित करेंगे। और अन्य कहीं पर भी जो अवैध बालू की सूचना आती है या शराब की सूचना आती है उस पर क्विक रिस्पॉन्स टीम एक स्पेशल यहाँ पर गठन किया गया। जो भी पब्लिक आता है, बहुत शिकायत मिलती है कि पब्लिक को यहाँ पर ढंग से उसके पास सुनी नहीं जाती है, हमारे पास भी फ़ोन आता है, तो इसमें इंस्पेक्टर साहब को कह दिया गया है कि सुबह 7 बजे, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, सुबह में लोग आते हैं, 7 बजे से 12-1 बजे तक खुद स्वयं कैंप करके जो यहाँ के पदाधिकारीगण को लेकर के बैठ करके और एक एक की बात सुनेंगे, चाहे जमीन विवाद हो चाहे अन्य कोई का विवाद हो, जो केस करने लायक है आप FIR करिए, जो जमीन विवाद है आप जाँच करिए उसका, लेकिन उसका त्वरित उसका निष्पादन कराएगा। प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति से मायूस हो चुके लोगों ने भागलपुर से हवाई सेवा शुरू कराने के लिए अब मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में प्रार्थना शुरू कर दी है। इसको लेकर पूर्व में जहां बाबा बूढ़ानाथ मंदिर और ततारपुर स्थित मस्जिद में पूजा हवन और दुआ मांगी गई, वहीं रविवार को घंटाघर स्थित गिरजाघर में हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के लोगों ने जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना की। इस दौरान लोगों ने कहा कि अब हवाई जहाज सेवा संघर्ष
समिति भगवान भरोसे ही है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों के नेता और अधिकारी भागलपुर से हवाई सेवा शुरू कराने में नाकाम साबित रहे हैं। हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के अधिकारियों ने कहा कि सभी दलों के राजनेता फेल हो गए, तब वो लोग भगवान की शरण में आए हैं जिससे हर प्रकार की बाधा दूर हो सके। मौके पर दर्जनों समाजसेवी, शिक्षाविद एवं शहर के बुद्धिजीवी मौजूद थे। जी, हमारे ये हवाई जहाज संघर्ष समिति के तत्वाधान में और लगातार ये 33 दिन हम लोग धरना पे बैठे हुए थे, जो कि गांधीवादी के आधार पे हम लोग धरना पे बैठे हुए थे। और उसके बाद संसद साहब के कथनानुसार हम लोग जो धरना तोड़े हैं, धरना मतलब अभी स्थगित किए हैं, तोड़े नहीं हैं, और उसी को लेते हुए जो हमेशा हम लोग मंदिर मस्जिद गिरजाघर हर जगह पे जा रहे हैं, हर जगह पे दुआ मांग रहे हैं भगवान से, अल्लाह से, ऋषभ से, जो कि ये जिस तरह का भी हम लोग का विघ्न बाधा जो आ रहा है ये हवाई जहाज संघर्ष समिति में, और जो भी हम लोग का प्रोसेस आगे बढ़ना चाहता है और राजनीति की बराबर ये भेंट चढ़ रहा है लगातार 50 सालों से। भागलपुर में हवाई जहाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं लेकिन हमेशा राजनीति की ही भेंट चढ़ जाता है ये, तो वो विघ्न बाधा के लिए हम लोग ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं कि ये विघ्न बाधा जो है दूर होए और जल्द से जल्द हमारे भागलपुर में हवाई जहाज शुरुआत हो। ने भागलपुर में हवाई जहाज की उड़ान शुरू हो, 33 दिनों का हमने गांधी के सत्याग्रह का आंदोलन इसी घंटाघर से किया, और सत्याग्रह करने के बाद हम लोगों को जो आश्वासन मिला भारत सरकार के मंत्री से, हमारे भागलपुर के सांसद से, उन तमाम बातों पर हमारे जनप्रतिनिधि खरा नहीं उतरे। इसके कारण जब हमने धरती के लोगों से मिलने का काम कर लिया तो हम लोगों को लगा कि नहीं, धर्म में हमारी आस्था है और धर्म हमको जोड़ता है, धर्म हमको तोड़ता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने मंदिर में हवन के लिए गए, मस्जिद में गए, और आज आप देख रहे हैं कि हमने प्रमोद भैया से, डॉक्टर आनंद मिश्रा ने संपर्क किया, मिट्ठू से किया, और गिरजाघर में भी आकर चर्च में हमने इनके साथ अनुनय विनय करते हुए आज भागलपुर के लोकहित में, जनता के हित में, आज जो आप देख रहे हैं इनकी जो प्रार्थना हो रही है, जो हमारे सामने पादरी जी हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिक भी यहाँ पर आए हुए हैं, सक्षम फाउंडेशन आए हुए हैं, हमारे प्रोफेसर मनोज जी आए हुए हैं, सुबोध जी आए हुए हैं, हमारे विजय यादव जी आए हैं, विनय सिन्हा जी आए, सुबोध मंडल जी आए, मैं किस किस का नाम बोलूं, सारे लोग हमारे भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति का एक ही मांग है कि भागलपुर से अविलंब हवाई जहाज का उड़ान शुरू। कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए भागलपुर जिला के लिए नियुक्त किए गए जिला निर्वाचन पदाधिकारी जैनेन्द्र कुमार पांडे एवं प्रदेश समन्वयक रीता सिंह ने रविवार को जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस जिलाध्यक्ष परवेज जमाल ने किया। इस दौरान विधायक सह बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा की मौजूदगी में चुनाव प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई, जबकि कार्यक्रम का संचालन कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अभय आनंद ने किया। वहीं अपने संबोधन में विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस संगठन को एक नवीन स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जनता की आवाज बननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जन सरोकार के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना होगा, तभी कांग्रेस नए क्लेवर के साथ जनता का विश्वास हासिल कर सकती है। इधर जिला निर्वाचन पदाधिकारी जैनेन्द्र कुमार पांडे ने कहा कि किसी भी स्थिति में कार्यकर्ताओं के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और संघर्षशील कार्यकर्ताओं को संगठन में जगह दी जाएगी। वहीं समन्वयक रीता सिंह ने कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि यह चुनाव निष्पक्ष एवं दलीय हित को ध्यान में रखकर किया जाए। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष विपिन बिहारी यादव, महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कोमल सृष्टि, नगर महिला अध्यक्ष पूजा शाह, शिवशंकर सिन्हा, शारिक खान सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। जब हम लोगों ने अगला विधानसभा चुनाव लड़ा, जो भी जीते, चाहे राजद जीते, कांग्रेस जीते, माले जीता, सीपीआई, सब लोग मिलजुल के सबके वोटर्स ने वोट करा। और आज जो आप अभी क्या कर रहे हैं, नीतीश जी का 1.5 साल का आप कार्ड पेश करने जा रहे हैं, उसमें आप कांग्रेस को आमंत्रित तक नहीं किए, कहीं हमारे आदरणीय सोनिया गांधी राहुल जी का फोटो ही लगाए। इसलिए अब लगता है कि वो मान के चल रहे हैं कि अकेले ही शक्तिशाली हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं है पूरे देश में कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेगी और 2024 में हटाने का काम करेगी। आप सेकुलर हैं लेकिन आप सिर्फ अपनी बात सोच रहे हैं, बिहार की बात सोच रहे हैं, न कि पूरे देश की बात सोचनी होगी अगर आपको देश को बचाना है। जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का प्रकाष्ठा हो गया है,
आप सब चीज पीएसयू जो कांग्रेस ने बनाया आजादी के बाद से, वो आप उद्योगपतियों के हाथ बेचने का काम कर रहे हैं। अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस से आप आना पड़ेगा, और जो आप कर रहे हैं वो उचित नहीं है। पीरपैंती रेलवे पुल संख्या 91 के निर्माण को लेकर ग्रामीणों द्वारा लगातार आंदोलन करने के बाद प्रशासन हरकत में आई है। दरअसल यह पुल उत्तर से दक्षिण के रास्ते से होते हुए करीब 29 पंचायतों के साथ साथ 11 इलाकों को जोड़ता है, और सांसद एवं विधायक के प्रयास से रेलवे उल्टा पुल 91 का कार्य शुरू भी किया गया। वहीं रेलवे के अधिकारी संजीत कुमार अनुज ने बताया कि पुल को लॉन्चिंग से लेकर पहले का जो भी कार्य बचा हुआ है उस कार्य को पूरा किया जा रहा है और अप लाइन का कार्य प्रारंभ है। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सातपुर गांव में शनिवार की रात्रि विवाह का माहौल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। डीजे में डांस करने को लेकर हुई विवाद में जमकर चली लाठियों में लड़की पक्ष के 2 लोग एवं लड़का पक्ष के 4 लोग जख्मी हो गए, जिसकी जानकारी मिलते ही अमरपुर पुलिस पहुंची, जहां अमरपुर थाने की पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए सभी जख्मियों को उपचार के लिए अमरपुर अस्पताल ले गई। बताया जा रहा है कि जख्मी लड़की पक्ष के विजय दास, मोनू कुमार के अलावा लड़का पक्ष के रामानुज, रविदास, प्रमोद दास, चंदन कुमार और झारू दास का प्राथमिक उपचार किया गया, जबकि विजय दास की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर जिले भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, रैली निकाल बच्चों ने पेड़ लगाने का दिया संदेश। पुलिस जिला नवगछा में हाल के दिनों में हुए कई लूटकांड मामलों का पुलिस ने किया खुलासा, हथियार गोली के साथ साथ आरोपी गिरफ्तार। शराबबंदी के बावजूद नहीं थम रहा है अवैध शराब का कारोबार, बाईपास पुलिस ने एक ट्रक शराब किया बरामद। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आकर वृद्ध की मौके पर हुई मौत, सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। और बांका एसपी ने अमरपुर थाने का निरीक्षण, लंबित कांडों के निष्पादन को लेकर थानाध्यक्ष को दिए आवश्यक निर्देश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।